प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है और 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डाउट में रहेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको लगा देंगे। आपसे कह रहा है, द करंट ऑफ 80 मिली एम्पियर फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन 40 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड एट इट्स टर्मिनल। तो यहाँ पर आपको आई इफेक्टिव दे रखा है, कितना है, 80 मिली एम्पियर, और आपके पास वी इफेक्टिव की वैल्यू दे रखी है कितनी, 40 वोल्ट, मतलब करंट और वोल्टेज दे रखी है। हमसे कह रखा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बता दो कॉइल का क्या होगा। तो आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल होता है, जिसको आप ओमेगा एल कहते हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको ओमेगा एल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी रेजिस्टेंस हो वो होता है वी इफेक्टिव अपॉन आई इफेक्टिव के बराबर। वी इफेक्टिव आपको दे रखा है 40 वोल्ट और आई इफेक्टिव दे रखा आपको 80 मिली एम्पियर। मिली को ख़त्म कर दो तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। 40 से 80 दो बार चला जाएगा, दो का मतलब ये हो जाएगा 1/2, और 10 की पावर माइनस का 3 ऊपर जाएगा 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, 1000 के आधे करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 500 ओम। अब चूंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो इसका यूनिट वही होगा जो रेजिस्टेंस का होगा, क्योंकि ये एक तरह का ये भी एक रेजिस्टेंस है, तो इसका 500 ओम यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। ध्यान देना है, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट मार सकता है 2024 में, बस आप लोगों को प्रैक्टिस आनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो चुका है एसी का।